मोटे मोटे तौर पे दो ही बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी, और इन दोनों पार्टियों की राजनीति से लोग त्रस्त थे, लेकिन लोगों के पास चारा नहीं था। पाँच साल ये, पाँच साल वो, पाँच साल ये, पाँच साल वो। एक बार इससे नाराज़ होते थे तो उसको जिता देते थे, उससे नाराज़ होते थे तो उसको जिता देते थे, लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोग नई किस्म की राजनीति चाहते हैं, और पाँच साल पहले दिल्ली के लोगों ने पूरे देश के सामने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की। एक छोटी सी पार्टी जिसे आम लोगों ने बनाया था, वो लोगों ने 67 में से 67 सीट देके दोनों मौजूदा नेशनल पार्टीज़ को लगभग ख़त्म कर दिया दिल्ली के अंदर। और लोगों का, दिल्ली के लोगों का ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। पाँच साल के अंदर इस नई पार्टी ने, आम लोगों की पार्टी ने, ईमानदार पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जिसने सबके दिल जीत लिए हैं। आज चाहे दिल्ली में कोई बीजेपी वाला हो, चाहे कोई कांग्रेस वाला हो, चाहे कोई बसपा वाला हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, सब लोगों के दिल में आज आम आदमी पार्टी है। ऊपर से कोई कहे कि मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन आप इस बार जब नतीजे आएंगे तो देखना कि किस तरह से इवन बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, कांग्रेस वाले भी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि सबकी ज़िंदगी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने छुआ है। तो मुझे बेहद खुशी है कि आज हमारे साथ राम सिंह नेताजी, जो कि बहुत बड़े अपने यहाँ के नेता हैं, आज हमारे साथ मिश्रा जी, विनय मिश्रा जी, पूर्वांचलियों के बहुत बड़े नेता हैं, आज हमारे साथ जय भगवान जी, दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, आज हमारे साथ दीपू चौधरी जी, जो ईस्ट दिल्ली में काफ़ी बड़े नेता हैं, और उनके साथ उनके जितने समर्थक और जितने लोग शामिल हो रहे हैं, पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, राजकुमारी ढिल्लन जी, जो कि सिखों की काफ़ी अच्छी जानी मानी नेता हैं, वो अभी पहुंच नहीं पाई हैं, आ रही हैं, तो ये सब लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं और इनका हम पार्टी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर बनेंगे, वो दिन दूर नहीं है। हालांकि वो फॉर्मेलिटी रह गई है, दिल लोगों के दिलों में तो आज भी आम आदमी पार्टी बसती है। मैं इन सभी महानुभावों का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके आने से पार्टी और मजबूत होगी और लोगों की सेवा में जो हम लगे हुए हैं उसको और ताकत मिलेगी।